तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एवरग्रीन टॉपिक्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आप मेरी डिस्प्ले पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी जो लास्ट वीडियो है वो है व्हाट इज़ एपीआई मॉडल। भाई बहुत कम रेस्पॉन्स आया इस पर, क्योंकि ये जो एपीआई मॉडल है ये एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है, तो लोग थोड़ा क्लिक करने के लिए डरते हैं थोड़ा, क्योंकि देखने में थोड़ा लोग हिचकिचाते हैं इस तरह की चीज़ों को। अगर हाँ नहीं पर मैं डाल देता कि हाँ भाई यूट्यूब से 1,000 रुपये कैसे कमाए हर रोज़ या यूट्यूब से 2,000 रुपये कैसे कमाए हर रोज़, तो भाई इसके मुकाबले पे यहाँ पर व्यूज़ डबल आते। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर आप मेरी यहाँ पर थर्ड वीडियो देखो, थर्ड वीडियो पर मैंने क्या लिखा हुआ है, आपका चैनल कभी ग्रो नहीं करेगा सेम टाइटल लगाकर। आपने इस पर व्यूज भी देखे होंगे भाई, ठीक है, और आप देख सकते हो मेरे डिस्प्ले पर आप इसके व्यूज मतलब एपीआई वाले से तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो मेरा वो टॉपिक था वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक की तरह हो उसको हम मान सकते हैं, और ये जो मेरा एपीआई मॉडल वाला जो टॉपिक था इसको हम एवरग्रीन वाला मान सकते हैं। अगर आप अभी यूट्यूब पर जाओगे और वहां पर लिखोगे एपीआई, चलो मैं ये भी एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। अभी यहां पर मैं लिखता हूं एपीआई, ओनली एपीआई, इसको एंटर करूंगा और आपको मेरी वीडियो दूसरे या तीसरे नंबर पर दिख जाएगी। आई होप आप देख सकते हो मेरी वीडियो यहां पर भाई तीसरे नंबर पर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर जो लोग ये डालेंगे कि भाई एपीआई क्या होता है, ये व्हाट इज एपीआई मॉडल, ये खाली एपीआई भी डालेंगे, मैंने इसके अंदर सिर्फ एपीआई डाला है और मेरी तीसरे नंबर पर रैंक कर रही है। तो भाई कहीं ना कहीं ये है कि अगर हम एवरग्रीन टॉपिक्स भी कवर करें ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ साथ, तो उससे हमारा बेनिफिट ही हो जाता है कि चलो वीडियो आज तो चली नहीं है, लेकिन ये है कि आने वाले कुछ टाइम के लिए हमारी वीडियो एवरग्रीन बन गई। अब जो भी लोग एपीआई के बारे में सर्च करने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेंगे या नॉलेज लेना चाहेंगे एपीआई की, तो भाई वो सर्च करेंगे एपीआई क्या होता है, ठीक है। अब लोग किस तरह से सर्च करते हैं, अगर हमारा और लोगों से डिफरेंट थंबनेल्स होता है, हमारा प्रेजेंटेशंस और लोगों से बेटर होता है, तो तब लोग हमारी वीडियो पर जाते हैं और पूरी वीडियो देखते भी हैं। अगर मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बात करूं, भाई ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर व्यूज़ आ जाते हैं, जितने व्यूज़ आने होते हैं उससे एक ही बार आ जाते हैं, बाद में उस पर लोग बहुत कम जाते हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा, जैसा कोई अभी लेटेस्ट अपडेट आया है यूट्यूब का, तो भाई यूट्यूब का जो अपडेट्स आया हमने उसमें तारीख भी डाल दी, दिन भी डाल दिया, तो लोग उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि वो सेम डेट का है। लेकिन अगर आप वही चीज़ 2 दिन के बाद देखोगे और आप देखोगे भाई कल तो यार 9 तारीख थी और आज तारीख हो गई 15, तो भाई उसको नहीं देखेंगे लोग। ये तो हो गया ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो मैंने आपको एक भी एग्जांपल बताया, लेकिन अगर मैं एवरग्रीन टॉपिक्स की बात करूँ, यहाँ पर आते हैं जैसा भाई हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल और हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये सब हमारे एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। इन पर लोग कभी भी सर्च कर सकते हैं, कभी भी ये टाइटल्स यूट्यूब में डालेंगे सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर हज़ारों वीडियो आ जाएंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि एवरग्रीन है, हर कोई एवरग्रीन बना करके रखता है अपनी वीडियोज़ को। एवरग्रीन से ये होता है कि भाई एवरग्रीन हमेशा पैसा देता रहता है, अगर जो हमारा चैनल मोनेटाइज है और अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं तो एवरग्रीन हमारा चलता रहता है, तो उससे पैसा आता रहता है। और ट्रेंडिंग वाले से सिर्फ एक बार आता है, फिर बाद में आकर के कहीं एक टाइम में जा करके रुक जाता है। तो ये चीज़ें हैं एवरग्रीन और ट्रेंडिंग टॉपिक्स की, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट मैं आपको और बता दूँ, अगर आप यूट्यूब पर वर्क कर रहे हो तो भाई आपको ये 5 कीवर्ड्स हमेशा अपने टैग्स में बाय डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग में आपको लगा लेने हैं। अब वो कीवर्ड्स क्या हैं उनको आप ज़रा ध्यान से सुनो। नंबर 1 हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, नंबर 2 हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, मतलब ये जो हाउ से रिलेटेड जो 4 से 5 कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ भाई लगा के रख लेना, ये बहुत लोग सर्च करते हैं, दिन भर में हजारों लाखों लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। हो सकता है आपकी भी वीडियो वहाँ पर सजेशन में चली जाए, क्योंकि अगर आपकी वीडियो सजेशन में आएगी तो लोग कहीं ना कहीं क्लिक करेंगे उस चीज़ पर। अगर आपका थंबनेल्स अच्छा है, आपने अच्छा टाइटल लिखा हुआ है, तो आपकी वीडियोज़ पर भी वहाँ क्लिक करेंगे अगर आप ही 4 से 5 कीवर्ड्स लगा के रखते हो। जब सबसे पहला ये है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू अपलोड वीडियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन यूट्यूब से रिलेटेड ये 4 से 5 कीवर्ड आपको ऑलवेज बाय डिफॉल्ट वाले टैग्स में लगा के रखने हैं, ठीक है। अगर आप इनको लगा के रखेंगे तो इनसे आपका बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्रेंडिंग्स और एवरग्रीन वाला पोर्शन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।